मिरोल क्रिएट किया है हमने बाहर लेकिन उसको करवाने के लिए जिस जिसने गुस्सा किया उसने अपनी खुशी और सेहत गवा दी वो कमाने के लिए तो ऐसी सफलता नहीं चाहिए ना जिसमें दो चीजें गवाओ और एक चीज कमाओ बिजनेसमैन मतलब बिजनेसमैन मतलब प्रॉफिट इन ऑल एस्पेक्ट्स अब वी आर गोइंग टू डू द सेम वर्क सेम वर्क लेकिन विद ईज विद पीस विद पेशेंस विद स्टेबिलिटी होगा काम काम होगा काम होगा हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए इंडिविजुअल भी और जिन जिन की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कि हम सुबह जितने खुश काम पर गए थे उससे ज्यादा खुश हमें शाम को घर आना है वी हैव टू कम होम हैप्पियर देन वॉट वी वेंट इन द मॉर्निंग एंड जिनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ज़िम्मेवारी है कि उनको अपने लोगों को शाम को खुश घर भेजना है क्योंकि जब आप उनको शाम को घर खुश भेजोगे वो खुश परिवार बनाएंगे और जब उनके परिवार खुश होंगे तो वो अगले दिन सुबह और खुश आएंगे जब वो अगले दिन सुबह और खुश आएंगे तो वो शाम को और और खुश जाएंगे इट इज कंप्लीटली टू ऑपोजिट वेज ऑफ लिविंग या तो वो टेंशन में आएंगे ऑफिस में भी स्ट्रेस में काम करेंगे शाम को और स्ट्रेस्ड घर जाएंगे बिना बात के अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पर डांटेंगे वहां फिर झगड़ा होगा अगले दिन सुबह और परेशान आएंगे इट्स वन वे ऑफ लिविंग वो बढ़ता जाएगा एंड दूसरा है आप उनको शाम को खुश भेजेंगे तो वो अपने घर पे जो परिवार का टाइम है उसको इन्जॉय करेंगे तो वो अगले दिन सुबह और खुश आएंगे जहाँ लोग शाम को खुश जाएंगे और अगले दिन सुबह और खुश आएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी जहां हैप्पी लोग होंगे वो कंपनी ज्यादा अच्छा काम करेगी या जहां स्ट्रेस्ड लोग होंगे हमें सब आंसर्स पता है फिर हम क्यों उसका ऑपोजिट जी रहे हैं क्यों जी रहे हैं दैट इज द कॉल ऑफ टाइम टू चेंज एंड बी दैट वन पर्सन हु विल चेंज इट